फिल्म शुरू होती है और फिल्म शुरू होने के साथ ये दिखाते हैं कि टीवी पर एक डॉक्टर का इंटरव्यू चल रहा होता है और डॉक्टर बोलती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। अब जो उसका इंटरव्यू लेती है पूछती है कि आज तक आपने कितने लोगों का इलाज किया है, वो बोलती है कि 10,009। वो पूछती है कि इसमें से ठीक कितने हुए, वो बोलती है कि 10,009, यानी कि कैंसर का 100% क्योर मिल चुका है। इसके बाद स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है 3 years later, यानी कि 3 साल बाद, और 3 साल बाद न्यूयॉर्क का मैनहट्टन शहर पूरी तरह से वीरान और बंजर हो चुका है। पूरे शहर में कोई भी आदमी नहीं दिखता। बहुत सारी गाड़ियां दिखाते हैं जो अपनी जगह पर खड़ी हैं, जो चल नहीं रही। तभी दिखाते हैं कि एक लाल रंग की गाड़ी बड़ी रफ्तार से चलती हुई आती है और इस गाड़ी को चला रहे हैं विल स्मिथ, और विल स्मिथ के साथ उनका एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम होता है सैम। दरअसल विल स्मिथ शिकार कर रहे होते हैं, वो हिरन का पीछा कर रहे होते हैं, और वो हिरन का पीछा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए। अब उन्हें हिरन का शिकार करने में बहुत स्ट्रगल लगता है। तभी एक लम्हा ऐसा आता है जब हिरन उनके सामने आता है और वो अपनी गन से उसका शिकार करने ही वाले होते हैं कि तभी एक शेरनी आती है और उस पर झपट्टा मारकर उसे मार देती है। अब विल स्मिथ उससे शिकार छीनना चाहते हैं और वो छीन सकते हैं क्योंकि उनके पास गन है, लेकिन तभी उनकी घड़ी का अलार्म बज जाता है और ऊपर देखते हैं तो सूरज ढलने वाला होता है और उन्हें ना चाहकर भी वापस जाना पड़ता है। अब विल स्मिथ अपने घर आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि विल स्मिथ सूरज ढलने की वजह से घर क्यों आए। दरअसल इस शहर में बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं जिन्हें डार्क सीकर्स कहते हैं और ये सिर्फ रात को ही निकलते हैं। और ये रात को क्यों निकलते हैं, क्योंकि इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और ये जैसे ही धूप में जाते हैं ये मर जाते हैं क्योंकि इनकी स्किन धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर आने के बाद विल स्मिथ और उनका कुत्ता सैम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद रात होने से पहले वो अपने पूरे घर को अच्छी तरह सील कर देते हैं और लाइट्स बंद कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर कोई रहता है। अब ये दिखाते हैं कि विल स्मिथ और उनका डॉग सैम बाथटब में सो रहे हैं और तभी बाहर से बहुत सारे डार्क सीकर्स की यानी कि म्यूटेंट्स की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और विल स्मिथ फ्लैशबैक में चले जाते हैं। अब पूरी कहानी घूमती है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में ये दिखाते हैं कि विल स्मिथ अपने घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी बीवी और बच्चों को लेकर एयरपोर्ट की ओर निकल जाता है और उन्हें बोलता है कि यहां से निकलने के बाद तुम सबसे पहले एटीएम जाना और जितने पैसे हो सकते निकाल लेना और कम से कम 2 हफ्तों का खाना लेकर फार्म हाउस में ही रहना और मैं वहीं पर तुम्हें मिलूंगा। विल स्मिथ बोलता है कि आर्मी इस एरिया को आधे घंटे में सील करने वाली है। उसकी बीवी पूछती है क्या वायरस हवा से फैल रहा है, वो कहता है कि शायद। तभी रेडियो पे प्रेसिडेंट की न्यूज आती है और वो बोलता है कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैंने एक सरकारी दस्तावेज पे हस्ताक्षर किए हैं और आर्मी की मदद से न्यूयॉर्क शहर को बाकी देश के हिस्सों से अलग कर दिया जाएगा। विल स्मिथ बोलता है कि हम इसे 2 हफ्तों में फैलने से रोक सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं। उसकी बीवी बोलती है कि तुम ये काम तो शहर से बाहर रहकर भी कर सकते हो। विल स्मिथ बोलता है कि ये यहीं पे शुरू होता है और यहीं खत्म होगा। तभी विल स्मिथ की गाड़ी से एक म्यूटेंट टकराता है और उसका बच्चा और बीवी बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। अब वो बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पर पूरा शहर जमा है क्योंकि सब उस शहर से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उस शहर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा है जो इन्फेक्टेड नहीं है। और इसे चेक करने के लिए उनके पास एक मशीन है जिससे वो पता लगा लेते हैं कि कौन सा आदमी इन्फेक्टेड है और कौन सा नहीं। जब वो विल स्मिथ के बच्चे को चेक करते हैं तो वो इन्फेक्टेड नहीं होता, लेकिन जब उसकी बीवी को चेक करते हैं तो मशीन में ये आता है कि वो इन्फेक्टेड है और वो उसे नहीं जाने देते। तभी विल स्मिथ बोलता है कि ये मेरी बीवी है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे दोबारा चेक करो। विल स्मिथ लेफ्टिनेंट कर्नल होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि इन्हें दोबारा चेक करो, और जब वो उसे दोबारा चेक करते हैं तो उसमें ये आता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और इसके बाद वो उसकी बीवी और बच्चे को वहां से जाने देते हैं। अब जब वो अंदर जाते हैं तो उनकी बीवी और बच्चे के लिए एक हेलीकॉप्टर मंगाया जाता है और हेलीकॉप्टर इसलिए मंगाया जाता है क्योंकि विल स्मिथ एक बहुत बड़े ओहदे पर होते हैं। अब विल स्मिथ अपने बीवी और बच्चे को सी ऑफ करके थोड़ा सा दूर आ जाते हैं और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तो ये दिखाते हैं कि सामने एक और हेलीकॉप्टर होता है जिस पर इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया है और वो अपना बैलेंस खो देता है और घूमता हुआ वो उस हेलीकॉप्टर में लगता है जिसमें विल स्मिथ की फैमिली होती है, और इस हादसे में विल स्मिथ की बीवी और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तभी विल स्मिथ की नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद वो एक्सरसाइज करता है और उसके बाद बेसमेंट में जाता है जहां पर वो वैक्सीन बना रहा है यानी कि मेडिसिन बना रहा है इन इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए। वहां पर उसने बहुत सारे चूहों को पकड़कर बंद कर रखा होता है और इस सारे चूहे इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं और विल स्मिथ दवाई बनाकर इन चूहों पर ये टेस्ट करता है कि दवा काम कर रही है कि नहीं। अब विल स्मिथ चेक करता है कि जो दवा उसने लास्ट टाइम उन चूहों को दी थी उसका क्या रिजल्ट है, उसका उन पर क्या असर हुआ है, लेकिन सारे के सारे चूहे अभी भी बहुत एग्रेसिव होते हैं, उन पर उस दवा का कोई असर नहीं होता। तभी विल स्मिथ का ध्यान एक चूहे के ऊपर जाता है जो शांत होता है और उसकी हरकतें भी बहुत नॉर्मल होती है, और इससे विल स्मिथ को बड़ी खुशी होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे अब दवा मिल गई है और वो बोलता है कि अब इस दवा को इंसानों पर टेस्ट किया जा सकता है यानी कि उन इंसानों पर जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और पूरी तरह से डार्क सीकर्स बन चुके हैं। डार्क सीकर्स यानी कि म्यूटेंट्स। अब विल स्मिथ बाहर जाता है और बाहर जाकर विल स्मिथ रोज एक काम जरूर करता है, वो रेडियो पे मैसेज भेजता है सभी एफएम चैनल्स पर, मैं डॉक्टर रॉबर्ट, अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए, मैं आपको खाना दे सकता हूँ, वायरस से सुरक्षा दे सकता हूँ, घर दे सकता हूँ, तो आपको मैं हर रोज जब सूरज सिर के बिल्कुल ऊपर होगा साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पर मिलूंगा।
इसके बाद ये दिखाते हैं कि विल स्मिथ एक बहुत बड़े पानी के शिप के ऊपर होता है और उस शिप के ऊपर बहुत सारे फाइटर प्लेन्स होते हैं और एक फाइटर प्लेन के ऊपर विल स्मिथ होता है और वहां से वो गोल्फ खेल रहा होता है और एक एक करके वो बॉल पर शॉट मार रहा होता है और उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है जिसका नाम सैम है। तभी ये दिखाते हैं कि सैम अचानक से चौकन्ना हो जाता है और विल स्मिथ समझ जाता है कि उस तरफ कुछ है। वो अपनी गन उठाता है और उसके दूरबीन से देखता है तो वहां पर एक हिरन होता है। अब सैम और विल स्मिथ उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते विल स्मिथ का जो कुत्ता होता है सैम वो उसके पीछे एक अंधेरे कमरे में यानी कि अंधेरे घर में घुस जाता है और ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि डार्क सीकर्स ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर उजाला नहीं होता। अब विल स्मिथ उसके पीछे पीछे अपने कुत्ते को ढूंढने जाता है। उसके हाथ में गन होती है और गन के ऊपर लाइट होती है। तभी उसको उसका कुत्ता मिल जाता है, एक टेबल के नीचे छुपा होता है। वो बोलता है कि सैम चलो यहाँ से, लेकिन सैम बहुत बुरी तरह डरा होता है। तभी विल स्मिथ को पीछे से कुछ आहट आती है और जैसे ही विल स्मिथ पीछे घूमता है तो वहां पे एक डार्क सीकर बैठा होता है। इससे पहले कि वो डार्क सीकर विल स्मिथ के ऊपर अटैक करता, विल स्मिथ उसे गोलियां मार देता और वहां से भागना शुरू कर देता है और उसके पीछे उसका कुत्ता भी भागना शुरू कर देता और पीछे से म्यूटेंट्स आ रहे हैं यानी कि डार्क सीकर्स आ रहे हैं। और जैसे एक डार्क सीकर विल स्मिथ के कंधे पर बैठता है उसे काटने ही वाला होता है कि विल स्मिथ फर्स्ट फ्लोर से शीशा तोड़कर कूद जाता है और जैसे ही वो लाइट के संपर्क में आता है वो मर जाता है। अब विल स्मिथ को पता है कि इसके अंदर डार्क सीकर्स हैं और उसे एक डार्क सीकर चाहिए ताकि वो अपनी रिसर्च को पूरी कर सके, जो उसने दवाई बनाई है वो उनपे टेस्ट कर सके। अब विल स्मिथ वहां पर एक फंदा लगाता है और अपने कुत्ते को गाड़ी में छोड़ने के लिए जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें यहीं पे रहना होगा, तुम्हें इन्फेक्शन का खतरा है लेकिन मुझे नहीं। विल स्मिथ को खतरा क्यों नहीं है? क्योंकि वो इन्फेक्शन से बचने के लिए दवाई लेता है। अब कुछ देर बाद उसके फंदे में एक म्यूटेंट एक डार्क सीकर फंस जाता है और वो बहुत चिल्ला रहा होता है। तभी वो उस पर एक जोरदार प्रहार करता है और वो शांत हो जाता है और उसी वक्त खिड़की पर एक म्यूटेंट आता है और वो विल स्मिथ पर जोर से चिल्लाता है, बहुत गुस्सा करता है। अब विल स्मिथ उस म्यूटेंट को पकड़कर अपनी लैब में ले जाता है और उस पर वही दवा यूज करता है जो उसने उस चूहे पे की थी जो शांत हो गया होता है। विल स्मिथ देखता है कि इस म्यूटेंट की बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी बना होता है और इसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती है, लेकिन दवा देने के बाद उसकी सांसें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है यानी कि उसका हार्ट रेट धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और विल स्मिथ को एक उम्मीद जागती है कि शायद दवा ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन तभी वो म्यूटेंट उठती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है और विल स्मिथ की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब विल स्मिथ बताता है कि मेरे ब्लड टेस्ट से ये पता चलता है कि हवा और स्पर्श से फैलने वाले इन्फेक्शन से मैं अभी तक बचा हुआ हूं, पर कुत्तों को ये इन्फेक्शन उनके काटे जाने से हो सकता है। वो बताता है कि अभी भी रिसर्च जारी है और हम टेस्ट कर रहे हैं, जो दवा मेरे शरीर में मुझ पे काम करती है वो मरीज पे काम नहीं करती। इससे ये पता चलता है कि विल स्मिथ के पास वो दवा तो है जिससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, लेकिन उसके पास वो दवा नहीं है जिससे वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकता है। इसीलिए वो रिसर्च कर रहा होता है ताकि जितने भी म्यूटेंट बने, जितने भी डार्क सीकर्स बन चुके हैं, वो उन सबको ठीक कर पाए। वो बताता है कि आज एक अजीब सी बात हुई, जब मैं इस म्यूटेंट को पकड़ रहा था तब एक दूसरा म्यूटेंट रोशनी में आ गया। शायद भूख और खाने की कमी की वजह से वो अपने जीने के बेसिक तरीके को बदल रहे हैं और ये सब बहुत खतरनाक है। दरअसल विल स्मिथ अपनी सारी बातें, अपनी सारी रिसर्च एक ब्लॉग में रिकॉर्ड करता है और वहीं पर वो ये सब कुछ बता रहा होता है। अब अगले दिन जब विल स्मिथ बाहर जाता है तो बहुत अजीब सी बात होती है। शोरूम में जो बहुत सारी डमीज होती है उनमें से एक डमी बाहर होती है और इन डमीज से विल स्मिथ अक्सर बात किया करता था। उस डमी को देखने के बाद विल स्मिथ बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। दरअसल विल स्मिथ को इस शहर में अकेले 1000 से भी ज्यादा दिन हो गए और इतने दिन अकेले रहने से दिमागी स्थिति कहीं ना कहीं हिल जाती है और इस बात से विल स्मिथ बहुत इरिटेट हो जाता है। कहता, तुम बाहर कैसे आ गए? तुम्हें अंदर होना चाहिए था, तुम्हें बाहर कौन लाया? और वो उस पर गोलियां चला देता है। उस डमी के अंदर से काफी सारा पानी निकलता है। अब जब विल स्मिथ उस डमी के पास जाता है, पानी में अपना पैर रखता है, तो उसके पैर के नीचे एक फंदा होता है और फंदे में विल स्मिथ का पैर आ जाता है और वो फंदे में लटक जाता है। और जब वो लटक रहा होता है तो उसका सर जमीन से जोर से टकराता है और जब वो ऊपर जाता है तो बेहोश हो जाता है। अब वो सेंसलेस हो चुका है। ये फंदा म्यूटेंट्स ने यानी कि डार्क सीकर्स ने लगाया होता है और ये फंदा ठीक उसी तरह का फंदा होता है जिस तरह का फंदा एक दिन पहले विल स्मिथ ने उस म्यूटेंट को पकड़ने के लिए लगाया था। अब विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है और उसे होश आता है। वो देखता है कि नीचे सैम उसका कुत्ता भौंक रहा होता है और अब शाम होने वाली है। वो अपनी जेब से चाकू निकालता है, अपनी रस्सी काटता है और नीचे गिरता है और जब वो नीचे गिरता है तो उसका चाकू उसी के पैर में घुस जाता है। अब विल स्मिथ जब घिसटता हुआ अपनी कार की तरफ जाता है तभी दो कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है और सामने अंधेरे में एक म्यूटेंट होता है और ये वही म्यूटेंट होता है जो एक दिन पहले उजाले में आ गया था। वो अपने दोनों कुत्तों को छोड़ देता है और वो दोनों कुत्ते विल स्मिथ पर और उसके कुत्ते पर अटैक कर देते हैं। हालांकि विल स्मिथ उन दोनों कुत्तों को मार देता है लेकिन वो मरने से पहले विल स्मिथ के कुत्ते सैम को काट लेते हैं और अब उसे भी इन्फेक्शन फैल चुका है। अब विल स्मिथ अपने कुत्ते को अपने घर लेकर आता है और उसे दवा देता है लेकिन उस पर दवा का कोई असर नहीं होता और विल स्मिथ उसे अपनी गोद में लिटाकर उसका मुंह दबाकर उसे मार देता है। यह लम्हा विल स्मिथ के लिए बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि सैम को उसने बचपन से पाला था और इस शहर में सैम के अलावा उसका कोई भी नहीं था। वो उसके साथ खेलता था, उससे बातें करता था और अब सैम इस दुनिया में नहीं रहा और विल स्मिथ
पूरी तरह से अकेला हो गया। अब अगले दिन ये दिखाते हैं कि विल स्मिथ अपने घर नहीं जाता, बल्कि रात को म्यूटेंट से बदला लेने के लिए जाता है और वो कार से कई म्यूटेंट्स को कुचल भी देता है। लेकिन फाइनली वो कार में फंस जाता है और तभी वो म्यूटेंट जो उसे पहली बार दिखा था, जो रोशनी में आ गया था और जिसने उसके ऊपर कुत्ते छोड़े थे, वो म्यूटेंट उसे मारने के लिए आता है। तभी एक बहुत तेज रोशनी आती है और सारे के सारे डार्क सीकर्स भाग जाते हैं। और ये डार्क सीकर जो अभी विल स्मिथ को मारने वाला था और जो उस दिन उजाले में आ गया था, ये सारे डार्क सीकर्स का बॉस होता है और वो सब इसका कहना मानते हैं। अब इस पूरे लड़ाई झगड़े में, पूरे इंसिडेंट में विल स्मिथ को बहुत सारी चोटें आ जाती हैं और वो लगभग सेंसलेस होता है। अब वहां पर उसे आवाज आती है कि आप कहां रहते हैं, और वो बड़ी मुश्किल से अपना एड्रेस बताता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसको होश आता है तो वो देखता है उसके घर में टीवी चल रहा होता है। और जब वो बाहर ड्रॉइंग रूम में जाता है तो वहां पर एक औरत और एक बच्चा होते हैं। वो उसे बोलते हैं कि हमने आपका रेडियो में ब्रॉडकास्ट सुना था और कल हम पूरा दिन आपका इंतजार करते रहे, लेकिन आप आए नहीं, और फिर शाम को आप हमें उन म्यूटेंट्स के बीच में फंसे हुए मिले और हम आपको वहां से बचाकर यहां पर ले आए। अब वो लेडी अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम ऐना है और हमारे साथियों को निशाचरों ने खा लिया। अब हम दो ही बचे हैं और हम वॉरमोंट जाने वाले थे बचे हुए लोगों की बस्ती में। विल स्मिथ बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है ना ऐसी कोई बस्ती है। वो लेडी बोलती है कि पहाड़ों में ऐसी बस्ती है क्योंकि वो वायरस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात से विल स्मिथ बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सब मर चुके हैं, और फिर वो शांत होकर वहां से चला जाता है। बाद में जब विल स्मिथ दोबारा आता है तो ऐना बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, आज तो देर हो चुकी है, हम कल निकलेंगे। विल स्मिथ बोलता है कि इस बीमारी की शुरुआत यहां से हुई थी और मैं इसे खत्म भी यहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, और मैं जानता हूं कि मैं ये कर सकता हूं। अब विल स्मिथ जब अपनी लैब में उसी फीमेल म्यूटेंट पर टेस्ट कर रहा होता है जिसे वो पकड़ कर लाया था, तो वहां ऐना आ जाती है। वो बोलती है आपको लगता है कि इससे ठीक हो जाएगी? वो बोलता है इससे इसका मरना तय है, पर मैंने इसके नीचे बर्फ लगा दी है तो हो सकता है कि इसके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाए और वैक्सीन का असर बढ़ जाए। ऐना उसे बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलो बचे हुए लोगों के पास बस्ती की ओर। वो बोलता है कि कहीं कोई बस्ती नहीं है। ऐना बोलती है कि मैं जानती हूँ कि एक बस्ती है। वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? ऐना बोलती है कि ईश्वर ने मुझे बताया। विल स्मिथ बोलता है कि ईश्वर ने बताया? वो कहते कि हाँ। विल स्मिथ बोलता है कि तुम पागल हो गई हो। विल स्मिथ बोलता है कि 90% लोग वायरस से मर गए और बाकी के बचे 9% लोग इन म्यूटेंट्स में बदल गए, बचे 1% लोग और उन सबको म्यूटेंट्स ने अपना शिकार बना लिया, और वो हर एक आदमी जिसे तुम और मैं कभी जाना करते थे वो मर चुके हैं, कोई ईश्वर नहीं है, कहीं ईश्वर नहीं है। अब रात हो जाती है और विल स्मिथ सारे घर को सील कर देता है। तभी उसे म्यूटेंट्स की आवाज आती है। वो ऐना से पूछता है कि तुम मुझे कल रात को कितने बजे लाई थी? वो बोलते कि बस सुबह होने वाली थी। विल स्मिथ बोलता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया, वो हमारे घर तक आ गए। अब विल स्मिथ ने घर के चारों तरफ काफी सारे विस्फोटक लगाए होते हैं और वो उन सबको ब्लास्ट कर देता है जिसमें काफी सारे म्यूटेंट्स मर जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे म्यूटेंट्स उसके घर में घुस जाते हैं। और एक ऐसा पल आता है जब एक म्यूटेंट विल स्मिथ को मारने वाला होता है कि उसके हाथ में गन आ जाती है और वो बच जाता है। अब वो लैब में चले जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि जिस म्यूटेंट पे वो टेस्ट कर रहा था वो ठीक हो रही है, यानी उन्हें इलाज मिल गया। पर तभी वहां बहुत सारे म्यूटेंट्स आ जाते हैं। विल स्मिथ शीशे का दरवाजा बंद कर देता है जो कि बुलेट प्रूफ है, यानी कि बहुत मजबूत है। विल स्मिथ चिल्ला चिल्ला के बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मुझे इलाज मिल गया, दवा सर कर रही है। तभी वहां पर वही म्यूटेंट आ जाता है जो उन सब म्यूटेंट्स का बॉस होता है, और वो शीशे में टक्कर मारना शुरू कर देता है और शीशा धीरे धीरे क्रैक हो रहा है। और विल स्मिथ देखता है कि शीशे पर बटरफ्लाई का निशान बन जाता है और ऐना की नेक पर भी बटरफ्लाई का निशान होता है। और विल स्मिथ को यह भी याद आता है कि उसकी बेटी आखिरी बार बटरफ्लाई की बात कर रही होती है जब वो उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। विल स्मिथ को यकीन हो जाता है कि ये कोई डिवाइन मैसेज है और ये इत्तिफाक नहीं हो सकता। वो जल्दी से उस म्यूटेंट का ब्लड एक ट्यूब में निकालता है जो अब ठीक हो रही है, क्योंकि अब उसके ब्लड में ही इस बीमारी का क्योर होता है। और वो उन दोनों को एक छोटे से चैम्बर में बंद कर देता है जो सेफ होता है, और उन्हें ब्लड सैंपल देते हुए बोलता है कि इसके अंदर ही इस बीमारी का क्योर है। ऐना बोलती है कि तुम भी अंदर आ जाओ। वो बोलता है कि ये रुकने वाले नहीं है। अब वो उन्हें वहां बंद कर देता है, ड्रॉर खोलता है, उसमें उसकी वाइफ और उसकी बेटी की फोटो होती है जिसे देखकर वो खुश होता है, और ड्रॉर में एक बॉम्ब भी होता है। वो उसका छल्ला निकालता है। अब म्यूटेंट शीशा तोड़ने ही वाला होता है, वो शीशे की तरफ भागता हुआ आता है और विल स्मिथ भी उसी की तरफ भागता है, और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ विल स्मिथ और सारे म्यूटेंट्स मर जाते हैं। अब इसके बाद ये दिखाते हैं कि ऐना वहां पहुंच जाती है जहां वो जाना चाहती थी, और वहां पहुंचकर वो देखती है कि वहां पर सच में एक बस्ती होती है, और वहां अंदर जाने के बाद इस इन्फेक्शन का क्योर जो विल स्मिथ ने उसे दिया था वो उन्हें सौंप देती है। Tìm lại giấc mơ xưa trong những khi anh buồn, để tim đầy được ấm áp như ngày chúng ta gặp nhau. Nhớ những lúc xa xưa, có em luôn gần anh. Hỡi chào anh trăng như món quà, giờ ngày tháng mang em theo gió bay xa rồi. Để em một mình lặng ngắm trăng mà nhớ thương đầy vơi. Có hạnh phúc không em? Nếu em không gần anh.
Hãy để anh cõng trăng đi tìm em. Mình sẽ đi qua ngày tháng và có trên vai hành trang là những kỷ niệm buồn vui khi mình trao nhau câu hát. Có trăng luôn soi đường, có anh đầy nhớ thương. Giờ khi nhìn trăng lòng tin sẽ thấy em. Mình sẽ đi qua ngày tháng và có trên vai hành trang là lúc em yêu gần bên anh cười xinh như trăng sáng. Ánh trăng treo trên đầu khắc tên một trái tim. Người yêu của em đang cõng trăng tìm khắp nơi dù xa xôi. Giấc mơ xưa trong những khi em buồn, để tìm đẹp đường ấm áp như ngày chúng ta gặp nhau. Nhớ những lúc xa xưa có em luôn gần anh, hỡi chào em ánh trăng như món quà. Rồi người ta mang em theo gió bay xa rồi, để một mình lặng ngắm trăng mà nhớ thương đầy vơi. Có hạnh phúc không em nếu em không gần? Anh cõng trăng đi tìm em, nguyện sẽ đi qua ngày tháng và có trên vai hành trang là những kỷ niệm buồn vui khi mình trao nhau câu hát. Có trăng luôn soi đường, có anh đẹp nhớ thương. Giờ khi nhìn trăng lòng tin sẽ thấy em. स्मिथ ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान देकर पूरी मानव जाति को बचा लिया, इसीलिए इस मूवी का नाम आई एम लेजेंड है। तो ये तो थी इस मूवी की फर्स्ट एंडिंग जो थिएटर में दिखाई गई थी। इसी मूवी की सेकंड एंडिंग भी होती है जिसमें विल स्मिथ बच जाता है। सेकंड एंडिंग में दिखाते हैं कि डार्क सीकर अपने ब्लड से ग्लास पर बटरफ्लाई का निशान बनाता है और जिस फीमेल म्यूटेंट पर विल स्मिथ टेस्ट कर रहे होते हैं उसकी बॉडी पर भी बटरफ्लाई का टैटू होता है। विल स्मिथ समझ जाते हैं कि ये सब यहाँ पर इसी डार्क सीकर को लेने के लिए आए हैं जिसका वो इलाज कर रहे हैं। वो अपनी गन नीचे रख देते हैं और एना को डोर खोलने के लिए बोलते हैं और उस डार्क सीकर को लेकर बाहर चले जाते हैं। अब बाकी के सारे डार्क सीकर्स विल स्मिथ पर अटैक करना चाहते हैं पर उनका जो बॉस होता है जो डोर पर बटरफ्लाई का निशान बनाता है वो जोर से चिल्लाता है और सब रुक जाते हैं। अब विल स्मिथ ड्रॉर से एक इंजेक्शन निकालता है और उसी डार्क सीकर के लगाता है जिसका वो इलाज कर रहा था और जैसे ही वो उसे इंजेक्शन लगाता है वो होश में आ जाती है और उसके होश में आने के बाद डार्क सीकर उसके प्रति अपना प्यार जाहिर करता है। यहाँ पर हमारे सामने दो बातें आती हैं। फर्स्ट, ये दोनों डार्क सीकर एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं जो कहीं ना कहीं एक लव वाली फीलिंग को जन्म देता है और ये अजीब बात है क्योंकि डार्क सीकर्स इमोशनलेस होते हैं।
सेकंड कि ये डार्क सीकर जो इनका हेड होता है, ये इंसानों की तरह अपना माइंड भी यूज कर सकता है जो बाकी नहीं कर सकते। तभी वो विल स्मिथ के लिए ठीक वैसा ही ट्रैप बनाता है जैसा विल स्मिथ ने उनके लिए बनाया था, और विल स्मिथ उसमें फंस जाता है। अब जब विल स्मिथ ने उस डार्क सीकर को वापस कर दिया है तो वो सब उन सब को छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह ये दिखाते हैं कि विल स्मिथ, एना और उसका बेटा गाड़ी में वर्मोंट की तरफ जा रहे हैं, और अब उनके पास इस बीमारी का इलाज भी है। और एना रेडियो पर एक मैसेज भी करती है कि मैं डॉक्टर रॉबर्ट नेविल और अपने बेटे के साथ वर्मोंट की तरफ जा रही हूँ। कीप योर रेडियो ऑन, लिसन टू अ ब्रॉडकास्ट, यू आर नॉट अलोन, देयर इज अ होप। और इसी के साथ ये फिल्म